भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर वार्ता हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में, देखिए रिपोर्ट में। भारत और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की वर्चुअल मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें थी। मौजूदा मुसीबत के बीच व्यापार क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत रिश्ते दोनों देशों के लिए कई मायनों में अहम है। तभी तो दोनों देशों ने मौजूदा मुसीबत में आपसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भूमिका को अहम बताया। साथ ही मौजूदा मुसीबत के दुष्प्रभावों से जल्दी निकलने के लिए सभी देशों की एकजुटता पर भी जोर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू की है, बहुत जल्द जमीन पर इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम का मुसीबत की घड़ी में भारतीय समुदाय और भारत के छात्रों का ध्यान रखने के लिए भी आभार जताया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता भी दिया, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए भारत आकर खिचड़ी खाने की बात कही। दोनों देशों के लिए मुलाकात कई मायनों में खास थी। रक्षा सौदों के लिहाज से भी इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुलाकात के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी और व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।